सब्सक्राइब कीजिए तवा मसाला चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर और पाइए फूड रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आपकी स्क्रीन पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आप उसे प्रेस कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी रेसिपी मैं लेके आऊँ वो आप तक तुरंत ही पहुँच सके और बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी आप भी अपने घर में जरूर से बना सके। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो ड्राई फ्रूट से बनने वाली है, तो मैं उसका नाम बताने जा रही हूँ पिस्ता चिक्की। तो आइए उसके लिए हम इंग्रीडियंट्स देख ले। शुगर, पिस्ता, इलायची पाउडर और घी। और ये मैंने एक मोल्ड लिया है और उसे पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम चिक्की बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक पैन को गरम कर लेंगे और उसके अंदर घी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। ये हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर 600 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। अब हमें शुगर को घी के अंदर प्रॉपरली मेल्ट होने तक इस तरह से हिलाते रहना है। गैस की धीमी आंच पे हमें इसे अच्छी तरह से मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं शुगर हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। अब हमें इसके अंदर पिस्ता ऐड करना है। बाजार में दो टाइप्स के पिस्ता अवेलेबल होते हैं, एक नमक वाले और एक बिना नमक वाले। तो यहाँ पे हमने चिक्की बनाने के लिए बिना नमक वाले पिस्ता का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पिस्ता इसके अंदर ऐड किया है। एक बार अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण को हमने जो मोल्ड को ग्रीस किया था उसके अंदर डाल देंगे। मोल्ड में इसे डालने के बाद आपको इसी तरह से इसे स्प्रेड कर देना है। अब हमें इसके अंदर चाकू से शेप देना है और जब ये चिक्की हमारी ठंडी हो जाएगी तब हम इसे आसानी से बाहर निकाल सकेंगे। इसी तरह से आप जैसा भी चाहे छोटे बड़े पीसीस का इसे चाकू से शेप दे सकते हैं।